नमस्कार और आदाब, न्यूज़क्लिक पर आपका स्वागत है। मैं स्वस्तिका मेहता और आज डेली राउंडअप पे कुछ खास मुद्दे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले रोजगार का मुद्दा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। पहले तो एनएसएसओ की रिपोर्ट पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा और इसी सिलसिले में आज देश भर से आए युवाओं ने राजधानी दिल्ली की सड़कों पर यंग इंडिया अधिकार मार्च के तहत सरकार के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन निकाला। इस मार्च में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, FTII, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र नेता शामिल हुए। ये सभी यूनिवर्सिटीज़ पिछले एक महीने से देश भर में रोजगार और अच्छी शिक्षा के मुद्दों को उठा रही है। आपको बता दें कि हाल ही में नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने रोजगार के आंकड़े जारी किए थे। इनके मुताबिक देश में बेरोजगारी का जो परसेंटेज है वो 45 साल में सबसे उच्चतम स्तर पर आ चुका है। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत विपक्षी पार्टियों ने केंद्र को घेरा। हालांकि केंद्र सरकार ने इन आंकड़ों को बिल्कुल अनदेखा कर दिया। केंद्र सरकार के लिए पकौड़े बेचना ही रोजगार है, पर आज की जो युवा रैली निकली है वो ये दिखा रही है कि देश का युवा बिल्कुल खुश नहीं है इस मोदी सरकार के साथ और सरकार को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। Talking about the discontent against the BJP government, let's take you to the BRD hospital where almost 60 infants had died in August 2017. Well, the hospital is in news once again. According to a latest RTI, the hospital registered 161 deaths due to acute encephalitis in the past 1 year. The interesting fact here is that the hospital does not take the data of deaths due to acute viral, which means one entire data has gone missing from the data of deaths. So when Samajwadi Party was in power, the opposition led by the BJP had attacked Akhilesh Yadav for his incompetency over healthcare. However, at this point of time, Yogi government has also failed miserably in the healthcare sector in Uttar Pradesh. But not to miss, all the money is being spent on the Earth Kumbh at this point of time. जहां पूरे देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ किसानों का आंदोलन जोर पकड़ रहा है, उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के किसान भी योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजनौर में आजाद किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने गन्ने के बकाए भुगतान को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम ऑफिस के बाहर आत्मदाह करने की घोषणा की और सैकड़ों समर्थक कलेक्ट्रेट में पहुंचकर डीएम ऑफिस के सामने, जैसा आप देख रहे हैं, लकड़ियों की चिता लगाकर आत्मदाह का प्रयास करने लगे। उधर पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को पानी की बौछार और लाठी चार्ज करके खदेड़ा और कुछ किसानों को गिरफ्तार भी किया। योगी सरकार का जो ये रवैया है किसानों के लिए, ये उनके लिए मुश्किल साबित हो सकता है।